हेलो एवरीबॉडी, आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू एंड वेलकम अगेन टू माइक्रो ऑक्टो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक सीरीज शुरू करने वाली हूँ फॉर द कल्टीवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आज मैंने इससे पहले भी क्या किया है, एक लेक्चर अपलोड किया है या फिर एक एक्सपेरिमेंट अपलोड किया है, मैं कह सकती हूँ हाउ टू प्रिपेयर मीडिया। ओके, तो वो मीडिया मेरे पास अभी प्रिपेयर्ड है। ओके, तो आज मैं आपको इसे सिखाऊंगी कि हमारा जो एयर है उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे आइसोलेट किया जाता है। बहुत ही ईजी मेथड है। ओके, बहुत ही इजीली आप इसको समझ पाएंगे। सिंपलेस्ट तरीका होता है ये अपने बैक्टीरियो को ग्रो कराने का। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, ये मास्क पहनने वाली हूँ। एक और बात मैं आपको बता दूँ, एक बहुत ही बेसिक चीज़ आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ी होगी कि एयर इज़ अ सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो एयर है वो क्या है, एक सोर्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। बर्नर ऑन कर लिया है। ओके, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अपनी न्यू पेट्री प्लेट्स ओपन कर रही हूँ। न्यू मतलब ये ऑटोक्लेव्ड हैं ऑलरेडी। ओके, तो मुझे इनमें क्या करना है, सबसे पहले मार्क करना है जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। जैसे मैं कर रही हूँ एक्सपोज प्लेट मेथड, तो मैं इसमें मार्क कर रही हूँ एक्सपोज प्लेट। ओके, आज की डेट जो भी होगी। ओके, आपको जो भी एबीसी, आप जो भी आप डेट डालने वाले हैं। ओके, कौन सा एरिया जहाँ से आप ये एयर ले रहे हैं, सपोज़ आपकी कोई कंपनी है। ओके, जहाँ पे स्टेरिलिटी मेंटेन करनी है आपकी, तो आप अपनी कंपनी एक्स वाई जेड जो भी होगी उसका नाम यहाँ पे नोट करेंगे। ओके, देन मैं इसको बंद कर रही हूँ। अभी मुझे क्या करना है, अपने मीडिया को अच्छे से स्टर करना है एंड देन उसको क्या करना है, ये टू फिंगर्स, इनसे हमें क्या करना है, अपने कॉटन प्लग को ओपन करना है। ओके, और ये फिर से स्टर करके एक बार क्या करना है, जो हमारा ये बर्नर है इससे इसकी जो नेक है उसको क्या करना है, स्टेराइल करना है अच्छे से। इससे क्या होंगे, इसके नेक पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। हमें एयर के माइक्रोब्स चाहिए, हमें कॉनिकल के माइक्रोब्स नहीं चाहिए। ओके, फिर इसको कैसे करना है, प्लेट को ऐसे करके ऐसे खोल देना है। ओके, मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, इधर से ये प्लेट लेनी है, इसको ऐसे करके ऐसे खोल देना है। ओके, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें अपनी मीडिया को पोर कर रही हूँ। अच्छे से मीडिया को पोर करें। ओके, देन इसको क्लोज कर दें और मीडिया को के नेक को फिर से स्टेराइल करें अच्छे से एंड देन इसको वापस से बंद करके रख दें। अब हमें क्या करना है, इस मीडिया को अलाउ करना है टू फॉर सॉलिडिफिकेशन। तो मीडिया क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। तब तक के लिए मैं क्या करूँगी, ब्लोअर ऑन है और इसका जो हमारा लेमिनार है इसको बंद कर दूँगी। हमारा मीडिया सॉलिडिफाई हो जाएगा। हमें इसको क्या करना है, एयर में एक्सपोज करना है। जिस भी इन्वायरमेंट का आपको माइक्रोऑर्गेनिज्म या कितना माइक्रोफ्लोरा वहाँ पे प्रेजेंट है, कितने बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट है, ये देखना है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, वहीं पर ही इस प्लेट को एक्सपोज करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं वेट कर रही हूँ उसका सॉलिडिफिकेशन का, तो मिलते हैं मीडिया के सॉलिडिफिकेशन के बाद। ओके, तो अभी हमारा मीडिया क्या हो चुका है, सॉलिडिफाई हो चुका है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से निकाल देंगे बाहर और क्या करना है, एयर में एक्सपोज कर देना है। तो ओके, मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं अगेन ये पहन रही हूँ अपना मास्क, क्योंकि इससे क्या होगा, जो मेरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो यस हमारी अगार प्लेट तक नहीं जाएंगे। तो मैं इसको अच्छे से बंद कर रही हूँ पहले, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ इधर उधर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं इसमें आए। ब्लोअर और लाइट को मैं ऑफ कर रही हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने लेमिनार एयर फ्लो के रूम से बाहर और अभी मैं क्या करना है, एंट्री की है मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट रूम में। आप देख पा रहे हैं मेरे सामने क्या है, इंक्यूबेटर है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे इंस्ट्रूमेंट रूम में कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, ये जो मेरी पेट्री प्लेट है मैं इसको कहाँ पे एक्सपोज कर रही हूँ, यहाँ पे इसको ओपन करके क्या कर दूँगी, मैं इसको एक्सपोज कर दूँगी। ओके, आप देख पा रहे हैं मैंने अपनी इनक्यूबेटर के ऊपर रख दी है ये। ओके, क्योंकि मुझे देखना है कि मेरी माइक्रो लैब में कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। सिमिलर प्लेट मैं क्या करूँगी, लैब के बाहर भी एक एक्सपोज करूँगी और एक ओपन एरिया में एक्सपोज करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि कितना डिफरेंस आता है, अलग अलग एरिया में कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। दूसरी चीज़, हमें ये जो प्लेट एक्सपोज करनी है वो कितनी देर के लिए करनी होती है, 30 मिनट से लेके 4 आवर्स तक के लिए करनी होती है। तो अभी मैं इसको 30 मिनट के लिए यहाँ पे रख देती हूँ, उसके बाद मैं इसको क्या कर दूँगी, अपने इनक्यूबेटर में प्लेस कर दूँगी। तो
तो मिलते हैं, मैं आपसे मिलती हूँ 1 घंटे बाद। तो भी हमारा आधा घंटा पूरा हो गया है, आधे से 1 घंटा लगभग मैंने 45 मिनट के लिए इसको एक्सपोज किया है। तो मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से उठा दूँगी। सिमिलर प्रोसेस मैंने फॉलो किया है बाकी जो हमारे मैंने कल्चर ग्रो कराने के लिए रखे थे, यानी कि एयर से एक्सपोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखे थे, ओके। तो वो मैंने बाहर वाले एरिया में रखा है, वो मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट दिखाऊंगी, ठीक है। प्रोसीजर दिखाना चाहती थी इसलिए सिर्फ मैंने यहाँ का दिखाया है। तो अभी मैंने ये पेट्री प्लेट में आप देख पा रहे हैं, शायद आपको विजिबल हो, मैं यहाँ पे मेरा ये सरफेस ब्लैक है, देखिए इस पे कोई कॉलोनी नहीं है बैक्टीरिया की, ओके। तो सिमिलर मेरी दूसरी प्लेट में भी कोई कॉलोनी नहीं है बैक्टीरिया की, ठीक है। सिर्फ इसमें ही क्या है, ऐसा नहीं कि इसमें ही कॉलोनी है, उसमें भी कोई कॉलोनी नहीं आई है अभी, क्योंकि कोई बैक्टीरिया विजिबल नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, उसको अपने इनक्यूबेटर में रखने वाली हूँ। इनक्यूबेटर का डोर कभी बहुत ज़्यादा ओपन नहीं करते हैं। देन अगेन मैंने इसको क्लोज कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, बैक्टीरिया ग्रो कराने हैं। तो बैक्टीरिया जो मेसोफिलिक बैक्टीरिया है, नॉर्मली उनका टेम्परेचर कितना होता है, उनका टेम्परेचर होता है हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 2, ओके। तो ये देख सकते हैं अभी ये 37 पे ही है, ओके। तो अगर इसको चेंज करना होता तो मैं इसको क्या करूँगी, कोर्स से यहाँ से इसको घुमा करके क्या कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ, ओके। तो अभी आप देख रहे हैं मैं इसको ऐसे दिखा रही हूँ आपको, तो ये कितना है, 37.9 हो रखा है, तो मैं इसको थोड़ा कम कर रही हूँ। अभी ये 25 पे चला गया है, 36, 40, अभी ये आ गया है 37.9 अगेन, ओके 36.1 इज़ फाइन, क्योंकि हमें क्या करना होता है, प्लस माइनस 2 35 करना होता है, इनके 35 से प्लस माइनस 2 चलता है, इनके दो ऊपर या दो नीचे चलता है। तो मैंने भी इसको सेट कर दिया 36.1 पर, ओके। तो मैं अब इसको कल आकर के चेक करूँगी 24 आवर्स बाद, ठीक इसी टाइम, कि हमारा बैक्टीरिया ग्रो किया है या नहीं। तब तक के लिए आप मेरे से जुड़े रहिए और इस वीडियो का एंड तक देखिए, ओके। तो अभी हमारे 28 आवर्स पूरे हो चुके हैं, तो मैं क्या करूँगी, अपनी पेट्री प्लेट्स को चेक कर लेती हूँ कि उन पे जो हमारे बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ कैसी आई है। तो मैं आप ही के साथ इनक्यूबेटर को ओपन कर रही हूँ, और इनक्यूबेटर वर्क कैसे करता है उसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो ये अभी पेट्री में कुछ बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं, ओके। ये देख रहे हैं आप कैसे दिख रहे हैं, ये जो आप वाइट वाइट कॉलोनीज देख पा रहे हैं, मैं एक डार्क सरफेस पर रख के भी आपको दिखा सकती हूँ ये। और ये कुछ बैक्टीरिया हैं आप देख पा रहे हैं, ये सब कॉलोनी कैसे आई है हमारी, ये देखिए, ये हमारे कहाँ का माइक्रोफ्लोरा है, एयर का माइक्रोफ्लोरा है, ओके। ये तो ये हमारा रिजल्ट है 24 आवर्स का, ओके। ये देखिए यहाँ पे कुछ कॉलोनी आपको दिख रही है, मैं हाथ रख करके दिखाती हूँ नीचे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ कॉलोनी है, यहाँ पर कुछ छोटी 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 कॉलोनी है, और बाकी कहाँ पे है, यहाँ पर भी कुछ बैक्टीरियल कॉलोनी दिख रही है। ये अभी तक का रिजल्ट है हमारा 24 आवर्स का। और ये देखिए ये क्या है, हमारी दूसरी प्लेट है, जो प्लेट मैंने एक्सपोज की थी आउटसाइड द माइक्रोबायोलॉजी लैब, ओके। देखिए इसमें कितनी अच्छी कॉलोनी दिख रही हैं, ये मैंने आपको लाइट की प्रेजेंस में दिखाई है, जिससे पीछे लाइट आई तो कॉलोनी अच्छे से चमके। सो आई एडेड दिस स्लाइड टू शो यू समथिंग मोर अबाउट एयर माइक्रोफ्लोरा, ओके। जो गैस होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, और एयर, सभी में क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज दे आर वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। इनकी जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, या बैक्टीरिया के जो स्पोर्स होते हैं, फंजाई के स्पोर्स होते हैं, एल्गी, वायरस या प्रोटोजोआ के सिस्ट हमेशा क्या रहते हैं, एयर में रहते हैं, ओके। जबकि एयर में हमेशा सनलाइट रहती है, सन हीट से बैक्टीरिया किल हो सकते हैं, हाई टेम्परेचर होता है और लेस मॉइस्चर होता है, उसके बाद ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। माइक्रोब्स नॉर्मली जो एटमॉस्फेयर में मिलते हैं वो लगभग 300 से लेकर 10,000 फीट अबव तक मिलते हैं, ओके, अबव फ्रॉम लैंड, ओके, वहाँ तक मिलते हैं। जो एयर माइक्रोफ्लोरा होता है
वो क्या करता है, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो एयर को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है, हमेशा, क्योंकि हमें रेस्पायरेशन करना है, सांस लेनी रहती है हमेशा। तो क्या होंगी, जो एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो हमारी उसके तरह की नोस्ट्रल्स के थ्रू कहाँ पे चल जाएंगे, यस, हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। हालांकि जो एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उनमें से मोस्टली हार्मफुल होते हैं, ओनली 1% बैक्टीरिया जो एयरबोर्न है वो कैसे होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। जो माइक्रोफ्लोरा है, स्पेशली एयर माइक्रोफ्लोरा, वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, इंडोर माइक्रोफ्लोरा एंड आउटडोर माइक्रोफ्लोरा। सो इन दिस वीडियो एज आई शोड यू कि मैंने आपको क्या दिखाया वहाँ पे, कि जो माइक्रोफ्लोरा था हमारा, एक मैंने माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर एक्सपोज की थी प्लेट, और एक बाहर, ठीक है। तो जो मैंने बाहर प्लेट एक्सपोज की थी, इसमें आपको कैसा माइक्रोफ्लोरा दिख रहा है, बाहर वाला माइक्रोफ्लोरा दिख रहा है, और जो मैंने अंदर एक्सपोज की थी वो कहाँ का दिख रहा है, अंदर वाला दिख रहा है। ओके, आप इनकी कॉलोनी काउंट भी कर सकते हैं बाय CFU। ओके, CFU इज़ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।